अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ में मिलावटी खून के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो खून में मिलावट करके लोगों की जान दांव पर लगा रहे थे। पता चला है कि लखनऊ के 137 ब्लड बैंक एसटीएफ के निशाने पर है। यूपी में मिलावट वाले खून का पर्दाफाश, मिलावटी खून से सावधान, ब्लड बैंक में खूनी साजिश। लखनऊ में अगर अचानक आपको खून की जरूरत पड़ जाए तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपके अपनों की जान मुसीबत में पड़ सकती है क्योंकि ब्लड बैंक में बड़ी खूनी साजिश की जा रही है। ब्लड बैंक से मिला ब्लड मिलावटी हो सकता है। खतरा इस बात का भी है कि ये मिलावटी ब्लड इंसान की रगों में पहुंचने के बाद उसकी जान ले सकता है। नौशाद नाम का व्यक्ति जो रामकोला का रहने वाला है, वो ये पूरा रैकेट चला रहा था। पहले वो जोधपुर में एक ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करता था। उसने ही ये पूरा नेटवर्क डेवलप किया है और जो भी ब्लड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस द्वारा लिए जाते थे, उन इंस्टीट्यूशंस के लैब टेक्नीशियन से मिलके रिसीव ब्लड को ये डाइवर्ट कर दिया करता था ये व्यक्ति। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक को इस खेल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इससे पहले 2018 और 2021 में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। उस वक्त भी खून में मिलावट का ऐसा खेल पता चला था जो रोंगटे खड़े करने वाला था। ब्लड को डाइवर्ट किया जाता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, और लेकिन समस्याएं वही हैं कि कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होता और जो व्यक्ति इसको रिसीव करेगा उसके लिए अत्यंत घातक साबित हो सकता है। इसमें कई ब्लड बैंक के मालिक भी शामिल थे और उनके लैब टेक्नीशियन आदि के भी शामिल होने के बाद प्रकाश में आई है। नौशाद नाम का एक युवा के इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है जो कभी जोधपुर के एक ब्लड बैंक में टेक्नीशियन के पद पर था। लेकिन एसटीएफ के मुताबिक नौशाद ने जोधपुर से लखनऊ तक एक पूरी चेन बनाई हुई थी। इस चेन में कई लैब टेक्नीशियन शामिल किए गए थे। शरीर का जो अपना ब्लड है, क्योंकि वो मैच नहीं होता किसी प्रॉपर ब्लड से, और वो उसके अंदर खून के थक्के पैदा कर देता है पूरे शरीर के अंदर। जहाँ जहाँ हमारा खून जा रहा है वहाँ वहाँ थक्के हो जाते हैं और मरीज की मृत्यु कुछ ही मिनटों में या घंटों में हो जाती है। कई ऐसे लोग भी गिरोह में थे जो एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड पहुंचाने का काम संभालते थे। इसके अलावा बिना जरूरी दस्तावेजों के ही ये ब्लड बैंक के अंदर तक ऐसा खून पहुंचा देते थे। मिलावटी और संक्रमित खून बेचकर ये गिरोह मोटी कमाई करने में लगा हुआ था। ब्लड में मिलावट मामले में यूपी एसटीएफ की जांच लगातार जारी है। यूपी एसटीएफ के अधिकारियों की माने तो जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे। आशंका तो ये भी है कि नौशाद का ये रैकेट केवल यूपी के लिए ही नहीं था, बल्कि मुमकिन है कि कुछ और राज्यों के ब्लड बैंकों तक भी ऐसा ही खून पहुंच रहा हो। और जहां भी ये खून किसी ब्लड बैंक में पहुंच रहा है, वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन सकता है। डॉक्टर्स ने आशंका जताई है कि इस तरह का खून बेहद खतरनाक है, क्योंकि आपको बता दें कि संक्रमित और मिलावटी होने की वजह से इस तरह के खून का स्वभाव वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। क्योंकि जबकि किसी भी इंसान के शरीर में खून चढ़ाते हुए ब्लड ग्रुप तक का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अगर ब्लड ग्रुप में कोई भी गलती हो जाए तो शरीर में खून चढ़ाते ही गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। इसलिए जैसे ही ये खून किसी मरीज को चढ़ता है तो खतरा उसके शरीर में तेजी से असर होने लगता है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि शरीर में मौजूद खून के साथ ये ब्लड बैंक वाला मिलावटी खून मैच नहीं होगा, जिसकी वजह से खून में जो धक्के हैं या थक्के जो है वो जमने लग जाएंगे और बहुत कम वक्त में इंसान की मौत भी हो सकती है। हमेशा वीकेसी ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए। वीकेसी प्राइड। दिल्ली में नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोपों पर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन। नई शराब नीति की सीबीआई जांच पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला। कहा भ्रष्ट मंत्री का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। भ्रष्ट व्यक्ति को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं।
ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार, मंत्री की करीबी के घर से मिले थे 20 करोड़ का कैश। पश्चिम बंगाल एसएससी घोटाला मामले में ईडी ने की थी छापेमारी। खून के काले धंधे का यूपीएसटीएफ ने किया पर्दाफाश, राजस्थान से खून की तस्करी लखनऊ में होती थी मिलावट। छापेमारी में 302 यूनिट ब्लड बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। जिन्होंने बढ़ाया भारत का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अमृत रत्न। आजादी के 75 साल का जश्न जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। बल्कि उसकी आड़ में षड्यंत्र रचता है। BRI हो या CPEC, चीन की ये दोनों परियोजनाएं उसकी पोल खोलती हैं। LAC के पास सड़क बनाने को भी वो नेशनल प्लान बताकर भारत की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत ड्रैगन की हरकत और फितरत दोनों को जानता है। उधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों मनप्रीत सिंह, मन्नू और जगरूप रूपा को ढेर करने के बाद पुलिस की जांच अब उनके पास से मिली AK-47 राइफल पर टिक गई है। पंजाब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि मूसेवाला की हत्या कहीं उसी राइफल से तो नहीं की गई थी, क्योंकि मूसेवाला की हत्या के बाद उनकी बॉडी और वारदात की जगह से मिली गोलियों की फोरेंसिक जांच में यह बात सामने आई थी कि उनकी मौत AK-47 की गोलियां लगने से ही हुई थी। और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला पर AK-47 से गोलियां दागने वाला मनप्रीत सिंह मन्नू ही था। और दो रोज पहले अमृतसर में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मनप्रीत के पास से ही एक AK-47 बरामद की थी। अब पुलिस की जांच उसी AK-47 पर टिक गई है, क्योंकि पंजाब पुलिस को शक है कि अमृतसर में हुई मुठभेड़ के बाद बरामद की गई AK-47 राइफल से ही सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा गया था। और पुलिस का दावा है कि एक बार दोनों घटनाओं में इस्तेमाल की गई AK-47 राइफल की कड़ियां जुड़ गईं, तो फिर लॉरेंस के गुर्गों तक उसे पहुंचाने वाले का भी पता लगाया जा सकेगा। हालांकि पंजाब पुलिस मनप्रीत और जगरूप के एनकाउंटर के बाद मिली AK-47 की जांच कर रही है, लेकिन वो भी ये मान रही है कि दोनों घटनाओं में इसी राइफल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक दो रोज पहले अमृतसर में पुलिस से घिरा मनप्रीत ही AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा था। रूपा की पहले डेथ हो चुकी थी और उसके जो आर्म्स है वो उठाकर वो हमारे ऊपर फायर कर रहा था। पुलिस का ये भी कहना है कि मुठभेड़ के दौरान ऐसा लग रहा था मानो मनप्रीत मन्नू AK-47 चलाने में माहिर हो। और यही वजह रही कि एक मकान में छिपे मनप्रीत सिंह, मन्नू और जगरूप रूपा ने करीब 6 घंटे तक पंजाब पुलिस के 300 से ज्यादा जवानों से मुकाबला किया था, और उन्हें उस मकान के करीब तक नहीं पहुंचने दिया था जहां दोनों छिपे थे। मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा की गोलीबारी का जवाब देने के लिए पंजाब पुलिस ने भी जोरदार फायरिंग की थी। न्यूज 18 की टीम उस मकान तक पहुंची जिसमें मूसेवाला की हत्या के दोनों आरोपी छिपे हुए थे। उस मकान पर गोलियों के सैकड़ों निशान दिखे। मकान की छत का हिस्सा तो पूरी तरह छलनी हो गया था। इसके साथ ही वहां आसपास के पेड़ों पर भी गोलियों के निशान दिखे। करीबन 350 से 400 पुलिस अधिकारी ने इस पूरे इलाके को जगह जगह से घेराबंदी की थी। मुठभेड़ के 2 दिन बाद भी खेत में बने उस मकान के आसपास के बड़े इलाके को पुलिस ने पूरी तरह से कब्जे में ले रखा है।